चलिए दोस्तों, फाइनली रेलवे की तरफ से कुछ तो अच्छा न्यूज सुनाया गया। जी हाँ, हमारे प्यारे साथियों, आप लोग को बताना चाहेंगे कि साल 2025 में रेलवे के द्वारा जितनी भी भर्तियां आने वाली है उन सभी भर्तियों का कैलेंडर जारी हो चुका है। और ये जो कैलेंडर है ऑफिशियल कैलेंडर जारी हुआ है, कोई कोई रैंडम आप लोग का नोटिस ये नहीं है दोस्तों। फाइनल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है रेलवे के द्वारा दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस कैलेंडर को देख लेते हैं, मगर इससे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे हमारे प्यारे साथियों, देखिए जिस प्रकार से अभी साल 2025 का ये कैलेंडर जारी हुआ है, ठीक उसी प्रकार से साल 2024 का भी आप लोग का रेलवे के द्वारा कैलेंडर जारी हुआ था। और उसी वक्त आप लोग का साफ साफ मेंशन कर दिया गया था कि अब रेलवे जो है हर एक साल भर्तियां निकालेंगी और हर एक साल एग्जाम लेंगी और हर एक साल आप लोग का एसएससी की तरह टाइम टू टाइम रेलवे के द्वारा भर्तियां आएंगी और एग्जाम को भी उसी साल में फाइनल कर लिया जाएगा। हालांकि अभी अगर हम लोग बात कर ले तो 2024 की कोई भी अभी किसी भी पोस्ट का अभी तक जो है आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ है, मगर एग्जाम डेट जारी हो चुका है। अब ये तो फाइनल हो गया कि जो एग्जाम डेट आयोग के द्वारा जारी हुआ था 2024 वाला, एएलपी का, टेक्नीशियन का, इधर आरआरबी जेई का, वो सभी का एग्जाम अब आप लोग का टाइम पर ही होगा, इतना तो फिक्स हो गया दोस्तों। इसलिए अगर वो टाइम पर नहीं लेता है तो ये 2025 का कैलेंडर जारी करता है क्यों, जारी नहीं करता प्यारे साथियों। तो वो जो टेंटेटिव आप लोग का जारी हुआ था एग्जाम का कैलेंडर, तो वो कैलेंडर को अब आप लोग 100% सटीक समझिएगा, एकदम फाइनल है कि उसी डेट पर अब आप लोग का रेलवे एग्जाम ले सकती है प्यारे साथियों। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को अपडेट दिखला दे, जिस अपडेट में 2025 के कैलेंडर में आप लोग का सारा यहां पर मेंशन किया गया है कि आखिर आप लोग के कौन से मंथ में कौन सी वैकेंसी जारी होने वाली है। तो देखिए जो आप लोगों के लिए, जो हमारे प्यारे भाइयों के लिए मेन पॉइंट है, हम लोग सिर्फ उसी टॉपिक्स पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को यहां पर तो कोई मतलब नहीं है, इससे आप लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है। आप लोगों को जो बातें मेनली समझनी है उस बातों पर आप लोग फोकस कीजिए। देखिए जनवरी मार्च में, और सबसे पहले एक बात और दिखलाना चाहिए, नहीं तो यहां पर क्या बोलेंगे ना, बहुत सारे हमारे ऐसे भी भाई हैं बोलेंगे कि ये बहुत पहले का है तो ये ही हो। देखिए डेट देखिए, न्यू दिल्ली डेटेड 10/10/2024 के द्वारा, 10/10/2024 को ये आप लोग का जारी हुआ था रेलवे बोर्ड के द्वारा, ठीक है। अब आप लोग यहां पर समझ गए, अब आइए अब सभी डेट्स को समझिए हमारे प्यारे साथियों। देखिए सबसे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे, जनवरी और मार्च के बीच में आप लोग का असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी का जो है भर्ती जारी होने वाला है, एएलपी का भर्ती जिसका एग्जाम अभी आप लोग का तुरंत होने भी वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैकेंसी से असिस्मेंट अप टू, देखिए प्यारे साथियों आप लोग का यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि 30/6/2026 तक जितनी भी सीट खाली है उन सभी सीटों को भरने की बात यहाँ पर रेलवे के द्वारा की गई है। समझिएगा बातों को, ठीक है, आगे समझिए। कह रहा है कि असिस्टेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS, देखिए हमारे प्यारे साथियों अब यहाँ पर आप लोग को और एक अपडेट देना चाहेंगे। देखिए ये जो है आप लोग के नवंबर 2024 में अभी ये जो है आप लोग का बोल रहा है रेलवे कि नवंबर 2024 तक फाइनल कर दे रहा है सभी 2100 जोन को। आप लोग को मालूम होगा कि रेलवे के द्वारा टोटल जो है 21 जोन में वैकेंसी जारी होता है, तो नवंबर 2024 तक सभी 2100 जोन को फाइनल कर देना होगा कि हाँ भैया मेरे पास कितना सीट जो है वो खाली है इतने समय तक, 30/6/2026 तक हमारे पास इतना जो है सीट खाली है, भरना है हमारे, और उसे जो है 30 नवंबर 2024 तक जो है फाइनल करके उसे क्या करना है, फाइनली रेलवे के पास जो है दे देना है। तब यहां पर दिसंबर 2024 में रेलवे इस पर फाइनल मोहर लगाएगी कि जी हाँ दोस्तों इतना जो है आप लोग का सीट खाली है, और उसके बाद जनवरी 2025 में आप लोग की यहां पर वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा दोस्तों। समझे हमारी बातों को। सबसे पहला नंबर टॉपिक क्या कर रहा है, आप लोग का 30/6/2026 तक जितनी भी सीट खाली है उन सभी को टोटल 2100 जून को काउंट करने के बाद सभी को यहां पर नवंबर 2024 तक जारी करके रेलवे के पास जो है दे देना है सभी 2100 आरआरबी जोन्स को। और रेलवे क्या करेगा, रेलवे उसके बाद जनवरी 2025 में आप लोग की जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेंगी प्यारी साथियों। ठीक इसी प्रकार से सभी जॉब्स का अपडेट दिया गया है। जैसे अब यहां पर समझिए अप्रैल से लेकर जून तक अगर हम लोग बात कर लें तो टेक्नीशियन की यहां पर वैकेंसी आने वाली है अप्रैल से जून के बीच में दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए 30/6/2026 तक ये आप लोग का टोटल सीटों का आंकड़ा को जो है इसको मेंशन कर लेना है, और उसके बाद जनवरी फरवरी 2025 तक रेलवे के पास पहुंचा देना है। रेलवे फरवरी और मार्च के 2025 के बीच में जो है फाइनल आप लोग का कर लेगा कि हाँ इतना जो है सीट जगह खाली है, और उसके बाद यहाँ पर मार्च 2025 में आप लोग की अप्रैल जून में जो है नोटिफिकेशन भी जारी टेक्नीशियन की कर दी जाएंगे, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग इसी प्रकार से सभी पॉइंट्स को। अच्छा उससे पहले बताना चाहेंगे हमारे प्यारे साथियों,
अगर आप लोग रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो देखिए आप लोगों को हम बतलाना चाहेंगे जिस प्रकार से हम आप लोग का रेलवे का क्लासेस लेते आए हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लोग का हमारे दोस्तों कुछ जो है हम यहाँ पर नोट्स भी रेडी किए हुए हैं। अगर आप लोग रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं तो अब इससे अच्छा सुनहरा मौका कभी भी नहीं मिलने वाला है। आप लोग जरा नोट्स पर फोकस करिएगा हमारे प्यारे साथियों। देखिए सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जीएससी जो है ना आप लोग का 40 नंबर का यहाँ पर एग्जाम होता है। लगभग रेलवे के सभी पोस्ट में आप लोग का 40 नंबर का एग्जाम होता है, स्पेशली जीएससी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जीएस के लिए स्पेशल एक नोट्स बनाया है। आप लोग जैसे इसमें क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किसी परमाणु के अस्थाई नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो दोस्तों सही जवाब आप लोग यहीं पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब में लिखा गया है, आंसर सी होगा। और आंसर सी में क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। उसी प्रकार क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आंसर है आप लोग का कि आंसर ए जो है सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बीटा किरण सही जवाब हो जाएगा हम लोग का दोस्तों। तो ये तो हो गया आप लोग के लिए जीएस का स्पेशल, जिसमें कि जीएस के लिए सिर्फ दोस्तों 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये सारे आप लोगों को रेलवे के लिए एकदम इंपॉर्टेंट जो है साबित होंगे हमारे प्यारे साथियों। ये तो हो गया आप लोग के लिए जीएस के रिगार्डिंग स्पेशल। अब देखिए सेकंड प्रकार का जो नोट्स है, इसमें हम आप लोगों को दोस्तों वन लाइनर प्रोवाइड करा रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का वन लाइनर। इसमें क्या होता है ना, आप लोग आसानी से यहां पर याद कर सकते हैं। जैसे यहां पर ऑप्शन में है, देखिए यहां पर लिखा गया है उपकरण का नाम एक साइड में कि बैरोमीटर। अब यहां पर उसका यूजेज लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि बैरोमीटर इसका इस उपकरण का कब हम लोग यूज करते हैं, तो वायु दाब को मापने के लिए हम लोग जो है बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। एग्जाम में ऐसे ही आप लोग की क्वेश्चन आती है दोस्तों कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर आप लोग के सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, सही जवाब क्या हो जाएगा, फैदोमीटर। क्या होगा, फैदोमीटर, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग के और सभी सब्जेक्ट का वन लाइनर दोस्तों प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें जो मैथ और रीजनिंग है ना वो आप लोग को ट्रिक्स के साथ देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोग का कहीं कुछ गलत होता है तो आप लोग आसानी से जो है उसको समझ सकते हैं कि हाँ ये प्रकार से नहीं समझ में आया तो दूसरे ट्रिक से देख करके हम लोग उसको समझ के सही कर सके। तो ये दोनों प्रकार का नोट्स हम आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं, और एक लास्ट और एक हम आप लोग को नोट्स दे रहे हैं दोस्तों, ये जो है आप लोग को सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। ये तीनों प्रकार के जो नोट्स है ना, ये रेलवे के सभी एग्जाम में काम आने वाली है, हर एक एग्जाम में आप लोग के काम आने वाली है, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, सभी एग्जाम में आप लोग का रेलवे का काम आने वाला है। तो अगर आप लोग ये तीनों प्रकार का नोट्स लेते हैं, देखिए प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे दोस्तों सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को कितना क्वेश्चन आएगा, 24,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस सेट के लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो ये अगर आप लोग तीनों प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे प्यारे साथियों कॉन्टेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे दोस्तों। अगर आप लोग रेलवे में सही में जॉब लेना चाहते हैं ना, और सोचते हैं कि भैया हम ज्यादा जो है पेमेंट ना गवा करके आसानी से जॉब ले लें, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, 7870141238। ठीक है, इस ये क्या है, ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग को क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप करके बोलना है कि भैया हमें रेलवे के लिए जो तीनों प्रकार का कॉम्बो एकदम रामबाण नोट्स बनाया गया है, वो तीनों प्रकार का हमें नोट्स जो है दे दीजिए। तो ये फुल नोट्स हमारे प्यारे साथियों आप लोग को सिर्फ और सिर्फ कितने में, मात्र 89 रुपीज में, 100 से भी कम, मात्र 89 रुपीज में आप लोग को ये पूरे प्रकार का जो है सेट दे दिया जाएगा। नंबर को नोट कर लीजिएगा, 7870141238। आप लोग का कॉल नहीं लगेगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को व्हाट्सएप करना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ पर हम लोग अब बात कर लेते हैं, यहाँ तक पर हम लोग टेक्निशियन तक तो देख लिए, अब समझते हैं हम लोग जुलाई और सेप्टेम्बर को। तो देखिए दोस्तों इसमें आप लोग की जो एनटीपीसी की पोस्ट आती है लेवल 4, 5, 6, इसका भी आप लोग का जो है जुलाई से सेप्टेम्बर के बीच में ठीक उसी प्रकार से जो है फाइनल होगा और नोटिफिकेशन आप लोग की जारी होंगी दोस्तों। ठीक है, आगे समझिए। उसके बाद लेवल 2 और 3 जो कि एनटीपीसी का 12 लेवल वाला पोस्ट होता है, ये आप लोग की जो है 12 लेवल की पोस्ट है। ठीक है, 12 लेवल की पोस्ट है, और ये जो है आप लोगों की, ये दोस्तों आप लोग की डिग्री लेवल की पोस्ट है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की आप लोग की पोस्ट जारी होगी। ठीक है, उसके बाद बात कर ले तो ये आप लोग के जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की वैकेंसी के बारे में यहाँ पर आप लोग की बात किया गया है। उसके बाद पारामेडिकल का जो वैकेंसी आया हुआ था, वो भी वैकेंसी आप लोग का सारा जो है जुलाई से सेप्टेम्बर के बीच में नेक्स्ट ईयर में आने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसका और भी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, साइन वगैरह सारा चीजें रेलवे का ऑफिशियल हमारे दोस्तों। तो चलिए
अब हम लोग आगे समझते हैं कि आखिर ग्रुप डी की भर्ती कब आएंगी। आप लोग अगर दोस्तों नंबर नोट नहीं किए हैं तो नंबर को नोट कर लीजिए 7870141238, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग को क्या करना होगा, इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप करना होगा और व्हाट्सएप करके आप लोग को बतलाना होगा कि तीनों प्रकार का कॉम्बो सेट दीजिए, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार का कॉम्बो सेट आप लोग को मात्र 89 रुपीज में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप लोग की ग्रुप डी की फिर से वैकेंसी आने वाली है। हालांकि अभी जो वैकेंसी है बहुत ही जल्द, कभी भी, आज नहीं तो कल, कभी भी जो है आयोग अब आप लोग का जो है ग्रुप डी का वैकेंसी जारी कर सकता है। ये नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। तो आप लोग की लेवल 1 की भी वैकेंसी जो है आप लोग की कब आने वाली है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। उसी प्रकार आप लोग की 31/12/2026 तक का टोटल सीटों की संख्या को जोड़ करके यहाँ पर टोटल 2100 RRB को क्या करना है, यहाँ पर फाइनल कर देना है जुलाई में। और उसके बाद जुलाई के बाद जो है यहाँ पर उसको कर देना है आयोग के पास, टोटल सेंड कर देना है सभी किसूजों को। और आयोग क्या करेगा, 25 अगस्त को इस पर जो है फाइनल मोहर मार करके आप लोग का सितंबर 2025 में जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर देगा दोस्तों। तो ये टोटल आप लोग का हम आंकड़न बता दिए, जो भी अपडेट अभी रेलवे के द्वारा आया हुआ है, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों। अगर आप लोग सही में रेलवे में जॉब लेना चाहते थे तो अब आप लोग का जो सपना है वो साकार होने वाला है, क्योंकि रेलवे जो है अब हर एक साल आप लोग की भर्तियां निकालने वाली है। तो अगर आप लोग के मन में कुछ डाउट है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग कॉमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। और रेलवे का अगर आप लोग रामबाण नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर को ना भूलिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।